गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं क्लास थर्ड की एसएसटी की टीचर आपका दोबारा से रिवीजन कराने के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। चैप्टर फर्स्ट का आज हम रिवीजन करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है हमारा द यूनिवर्स। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर केवल जो मेन मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर्स के अंदर उनको रखा हुआ है, उनको मैं डिफाइन करूँगी आपके सामने। थोड़ा सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्स के बारे में कि यूनिवर्स किन सब किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। यूनिवर्स, आवर यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ द सन, अर्थ, मून, स्टार्स एंड अदर प्लैनेट्स। यानी यूनिवर्स के अंदर हम इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, इन सब चीज़ों से मिलकर यूनिवर्स बनता है, जिसके अंदर सूरज, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे और बहुत तरह के ग्रह भी शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सन। सन इज़ द ह्यूज बॉल ऑफ द फायर बर्निंग गैसेस दैट गिव्स द अर्थ हीट एंड लाइट। अर्थात सूरज जो है वो एक आग के गोले जैसा है जो कि पृथ्वी पर हमें क्या देता है, गर्मी और प्रकाश। द सन इज द हेड ऑफ द बिग फैमिली इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। सूरज जो है वो सोलर सिस्टम का मेन पार्ट है। ओके, अब बात करते हैं हम प्लैनेट्स के बारे में। देर आर 9 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स हैं? 9। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। और ये सभी प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्बिट्स, अपनी कक्षा के अंदर। नाउ आई विल टेल यू अबाउट वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लैनेट्स। Nearest to the sun and end with the planet which is farthest to the sun. यानी जो मैं अब आपको उन ग्रहों के बारे में बताऊंगी जो सूरज के सबसे नज़दीक हैं और जो सूरज के सबसे दूर हैं। सबसे पहला जो ग्रह होता है वो है मरकरी, जो सूरज के सबसे नज़दीक है। फिर नंबर आता है वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हो गए हमारे पूरे 9 ग्रह। अब हम बात करते हैं मून। मून अराउंड द सन, इट मूव्स अराउंड द अर्थ। मून अराउंड द सन, इट मूव्स अराउंड द अर्थ। चंद्रमा जो है वो सूरज के चारों ओर घूमता है और ये पृथ्वी के भी चारों ओर घूमता है। मून डज नॉट हैव ओन लाइट। सूरज चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। हम लोगों को लगता है ना कि चंद्रमा चमकीला एकदम ब्राइटनेस और अपनी वो दे रहा है रोशनी। नहीं, इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट ऑन द अर्थ। ये प्रकाश जो है वो सूरज से लेता है और फिर पृथ्वी पर अपने प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, डालता है। मून इज कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून को हम लोग पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पर जो है कि स्टार्स। स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। हम लोग देखते हैं ना कि स्टार्स छोटे छोटे होते हैं, वो काफ़ी बहुत जरा जरा से दिखाई देते हैं। वो क्यों छोटे दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। सो दे अपीयर वेरी टाइनी एंड स्मॉल, इसलिए वो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आज मैंने मेन मेन पॉइंट्स पर बच्चों इस पर डिस्कस किया है। सारे बच्चे ध्यान से इसको वीडियो को देखेंगे और उसके बाद जो भी क्वेश्चन इसमें पुट अप होते हैं, जैसे कि हमने किया था कि राइट द नेम ऑफ 9 प्लैनेट्स, तो आप सीक्वेंस वाइज आप उनको नामों को लिख सकते हैं।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विच इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, आप उसको बता सकते हैं द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इस तरीके से हमारा जो रिवीजन है चैप्टर फर्स्ट का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन हम फिर करेंगे। ओके।